है वो कैसा है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि उस बंदे की जो इम्यून सिस्टम है इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। तो ये आएंगे बैरियर्स में। नेक्स्ट इज द कम्प्लीमेंट सिस्टम। कम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि 2400 घंटे नॉन स्टॉप इट इज वर्किंग। और ये क्या है, देयर आर नथिंग, दे आर द केमिकल विच आर प्रोटीन। ये प्रोटीन नेचर के होते हैं और इनका क्या मकसद है कि बाहर से जो भी पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा, इसने क्या करना है, उस बैक्टीरिया है या वायरस है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर ये छेद करेगा और उसको किल कर देगा। तो ये है प्रोटीन विच हेल्प इन किलिंग द पैथोजन। ओके, सो ये आएगा आपकी ऑलवेज ऑन इननेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स। इमीडिएट रिस्पॉन्स इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में, हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल्स में, हर बॉडी पार्ट में दे आर सर्कुलेटिंग एज सून एज पैथोजन एंटर इन द बॉडी। जैसे ही पैथोजन के साथ सामना होगा दे बिकम एक्टिव एंड दे स्टार्ट देयर वर्किंग और ये किल कर देते हैं आपके जो पैथोजन है उसको। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे आपके न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द सेल्स जो कि WBCs वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट होते हैं। सम आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिसमें आपके आएंगे मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये आप देखिए कि इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो कुछ सेल्स कर रहे हैं। सेल्स जो है ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं इन आवर ब्लड स्ट्रीम। जैसे ही पैथोजन आया दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद दैट पैथोजन एंड देन दे विल डिस्ट्रॉय इट। तो ये जो काम है ये इनेट इम्यूनिटी का है। अब एक बात आपको मैं बता दूं कि जो बैक्टीरिया है दैट इज इट इज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट। बैक्टीरिया ओनली थ्राइव्स व्हेन दे आर थाउजेंड्स इन नंबर, मतलब उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है वो अकेली इनसे लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। तो क्या होता है इस जो ये काम कर रहे हैं इसके अलावा साथ साथ ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये सक्रिय कर देती है हमारी अडैप्टिव इम्यूनिटी को। अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या है, अडैप्टिव इम्यूनिटी अब क्या होगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को ये सक्रिय कर देती है। ये हमारे ऐसे आर्मी कॉर्प्स हैं जो कि हमारी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में तैनात हैं और फटाफट बॉर्डर पे, जो बॉर्डर पे ये है आपकी इनेट इम्यूनिटी, ये बॉर्डर पे आते ही ये फोन करेंगे, ये उनको सिग्नल देंगे कि यस कोई एक्सटर्नल कोई पैथोजन है जिससे हमें खतरा है। तो ये सिग्नल जैसे ही वहां जाएगा वो फटाफट जो सारी जो फौज है हमारी बॉडी की वो सक्रिय हो जाएगी और दे विल फाइट अगेंस्ट दोस पैथोजन बाय मेकिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इननेट इम्यूनिटी के बारे में आपको ये बता दूं कि ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देती है और इमीडिएट, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स और इसका इमीडिएट होता है। ओके, अब हम बात करेंगे अडैप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अडैप्टिव इम्यूनिटी जो है अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये वो इम्यूनिटी है जब पैथोजन हमारी बॉडी में अंदर आ जाएगा और वो दिखाएगा कि ये मेरी प्रॉपर्टीज है, देन जो हमारी बॉडी के जो हमारी फौज है वो सक्रिय होती है उसके खिलाफ, दैट इज नोन एज अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो क्या होता है, जैसे देखिए कि कोई बाहर से पैथोजन आया तो वो फटाफट इम्यून सेल्स में, मैंने बताया इनेट इम्यूनिटी के जो सेल्स थे वो क्या करेंगे, अभी हमने बात की नेचुरल किलर सेल्स मैक्रोफेजेस हैं और WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, इनका काम क्या, ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये इनकी जो भी बाहर से बॉडी में कोई हार्मफुल चीज है इनको ऐसा नहीं है कि इनको ये पता चलना चाहिए कि यस दिस इज एक्सटर्नल इट विल destroy them, but जो adaptive immunity है that is specific, मतलब कि अगर ये bacteria आएगा तो ये वाली antibodies बनेंगी। जैसे कि कोई भी अगर A आएगा तो B antibody बनेगी, they are specific। तो क्या होता है कि जो हमारी innate immunities के cell हैं वो फटाफट उनको खत्म करते हैं। Beside खत्म करने के वो क्या करते हैं कि जैसे macrophage का क्या काम होता है, they are phagocytic in nature, वो आएगा जो भी बाहर से pathogen उसको engulf करेगा अपने अंदर और destroy कर देगा। इसके अलावा वो क्या करेगा कि जो उस बाहर से जो पैथोजन आया था उसके टुकड़े अपने सरफेस पे लाके एंड इट विल शो टू द अदर बॉडी पार्ट, और जो सिस्टम है वो दिखाएगा, वो प्रेजेंट करेगा उसका कोई भी फ्रेगमेंट कि ये एक एक्सटर्नल एंटीजन आया है और ये हमारी बॉडी के लिए खतरा है। अब उस एंटीजन को देख के हमारी बॉडी में इम्यूनिटी एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट होगी। तो देखिए इसमें क्या होगा,
जो आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसको सिग्नल पहुंचाएगी कौन, जो हमारी इननेट इम्यूनिटीज के सेल है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये सिग्नल करेंगे आपके टी सेल्स को, टी सेल्स स्टिमुलेट करेंगे बी सेल्स को, और बी सेल्स फटाफट बना देगी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किसको देख के बनाएगी, जो आपका पैथोजन आया, जो प्रेजेंट किया कि ये पैथोजन है उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनेगी, दूसरा पैथोजन आएगा तो दूसरी एंटीबॉडी बनेगी। तो दिस इज स्पेसिफिक। नाउ एक काम और करते हैं, जो बी सेल्स होते हैं ये मेमोरी सेल्स की तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी देखिए कि आप कोई सब्जी बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, उसको फर्स्ट टाइम बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। देन यू नोट डाउन द रेसिपी कि ये जो है ये कितने टाइम, ये इसमें ऐसे, ये चीज ऐसे, तो यू नोट डाउन दैट रेसिपी और यू क्रिएट अ मेमोरी। नेक्स्ट टाइम जब आप वो ही चीज दोबारा बनाएंगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, वो चीज इफेक्टिव बनेगी। यानी अगर आप टेस्ट की बात करें तो वो टेस्ट में भी इफेक्टिव बनेगी। तो इसी तरह जो बी सेल्स हैं ये मेमोरी सेल्स की तरह काम करते हैं, और जो आपकी रेसिपी जो थी, मतलब कि कौन सी एंटीजन के खिलाफ क्या एंटीबॉडी बनेगी, ये एक मेमोरी अंदर अपने स्टोर कर देते हैं, सो दैट अगली बार जब भी वो पैथोजन आए और आपकी बॉडी में वो हमला करे तो विदाउट एनी डिले वो फटाफट वही रेसिपी उठाएंगे और वो फटाफट वो एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो दिस इज द अडैप्टिव इम्यूनिटी। अब देखिए इसमें भी, इनेट इम्यूनिटी में भी हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन आर वर्किंग टू हेल्प आर इम्यूनिटी। इसमें भी देखिए एंटीबॉडीज आर नथिंग, दे आर ऑल्सो द केमिकल्स और दे आर ऑल्सो द प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ इम्यूनो एसिड्स। ठीक है, तो अब ये जो है हमने देख लिया कि कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, कैसे इम्यूनिटी काम करती है और फर्स्ट टाइम इम्यूनिटी कैसे काम करती है। अब आपको एक चीज मैं बताती हूँ कि जब व्हाट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब फर्स्ट टाइम कोई भी हमारी बॉडी में एंटर करता है, देखिए ग्राफ देखिए, यहाँ आपको दिखेगा एंटीबॉडी कंसेंट्रेशन एंड दिस इज द टाइम। सो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जब पहली बार कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमें रिस्पॉन्स डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, और एंटीबॉडीज देखिए आप कंसेंट्रेशन कम बन रही है। ओके, अब क्या होगा जब सेकेंड टाइम, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो बीटा सेल्स है, बी सेल्स हैं, दे विल एक्ट एज मेमोरी सेल्स, वो स्टोर कर लेंगे अपने अंदर इंफॉर्मेशन। जब नेक्स्ट टाइम उसी पैथोजन से जब हमारी बॉडी का सामना होगा तो देखो टाइम कम लगेगा और जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उनकी जो मात्रा है वो कितनी ज्यादा बढ़ेगी। सो फर्स्ट इनिशियल एक्सपोजर टू द एंटीजन इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंड इज नोन एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, so with this I think I have given you the layout about immunity, what is immunity, how the immunity work and how they connect each other and how different parts of body containing cells they communicate with each other to help us to fight against the infection. ab ye aap cheez ek aapko main myth jo hai wo clear kar dun कि हमने बहुत जगह सुना है और आजकल तो और भी सुन रहे हैं कि आप ये खा लो, दिस इज द मेडिसिन टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, दिस इज द मेडिसिन टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। आज तक की डेट में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है विच कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी, कोई भी टिल डेट देयर इज नो मेडिसिन मेड टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। ये एक ऐसे है कि देखिए जब आपको आपकी बॉडी में कोई कट लगता है, कोई भी जब बॉडी में कट लगता है तो आपको दवाई किस लिए दी जाती है, दवाई सिर्फ इसलिए दी जाती है कि जो वो कट लगा है वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या कोई पैथोजन जो है वहां वो किल कर दे। बट देयर इज नो मेडिसिन टू हील योर वुंड, जो जख्म है उसको भरने की कोई मेडिसिन नहीं है। जख्म को भरता है आपका शरीर, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म वो खुद अपनी रिपेयर करता है। हमारे जो वहां जख्म के पास के सेल्स होते हैं दे डिवाइड, दे ग्रो एंड दे फिल दैट। तो ये चीज आप देख लीजिए कि इम्यूनिटी की कोई दवाई नहीं बनी है, ये आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है जो आप उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसको सप्रेस तो हमने सबने किया ही हुआ है।
I think I'm not audible. Your host has muted me. Am I audible? Ma'am, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. मैडम बोलिए आप। प्लीज मैम कंटिन्यू मैम। मनीषा। हाँ यस मैम। प्लीज समवन फ्रॉम ऑडियंस, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम, आप ऑडिबल है मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। ओके, थैंक यू। So, we'll continue with the foods. Food में आएगा आपका fruits and green leafy vegetables. Next is the garlic. Garlic is known as immunity booster because it has a very you know, it is full of nutrients and ingredients which are used are like 1 clove of garlic में 5 milligram of calcium, 12 milligram of potassium and more than 100 milligram of sulfuric compounds. Okay. Garlic hota hai, isme ek antibiotic effect hota hai, increase your BP, increase parasite, decrease cholesterol, wipe out all the bacteria and infection, and the raw garlic, it is preferred. Why it is preferred? Because जब हम गार्लिक को कुक कर देते हैं तो जो सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स हैं दे आर डिस्ट्रॉयड, सो रॉ गार्लिक इज ऑलवेज प्रेफर्ड। ओके, नेक्स्ट इज दी पपाया। पपाया इज लोडेड विद विटामिन सी, विटामिन बी ए एंड इट हैज 157% ऑफ 157% Is everything okay, ma'am? Yes, ma'am. It is. You are audible, ma'am. But you have, please start your screen sharing. Okay. Okay. 1 minute. Is it visible now? Yes, ma'am, it is visible. Ma'am, please, aap slide show start karein current slide se. Yes. Is it visible? Ma'am, it is visible. Please click on the slide show. I have done it. I think it will take some time. Okay, ma'am. Please confirm me. Slideshow haven't started. Yes, ma'am, it is started now. Started now? Yeah, it is started, ma'am. Okay. Okay, thank you, ma'am. So, papaya, it is rich in vitamin C, vitamin B, vitamin A, and it consists of 157% of RDA in one papaya. It is rich in potassium, folate, and antioxidants. So, papaya, one papaya, you should eat. ओके, सो ये क्या करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज द ग्रीन टी। ग्रीन टी इज बोथ ग्रीन टी एंड ब्लैक टी, दे आर रिच इन फ्लेवोनॉइड्स, दे आर एपिगैलेक्टोकैटेन गैलेट कंटेनिंग एंड एल्थियनिन। तो क्या होता है, जो ब्लैक टी होती है वो बनती है फर्मेंटेशन से,
तो उस प्रोसेस में जो इसके EGCG हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट ग्रीन टी जो है वो बनती है दैट इज स्टीम्ड एंड इट इज नॉट फर्मेंटेड. तो जो इसके जो EGCG कंटेंट है वो रिटेन रहता है, तो इसलिए ग्रीन टी हमेशा फेवरेबल रहती है ओवर दी ब्लैक टी. ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ एन एमिनो एसिड. सी एमिनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन. तो ये जो ग्रीन टी है इट कंसिस्ट ऑफ एन एमिनो एसिड L-थियानीन. ये जो आपका L-थियानीन है ये हेल्प करता है जो जर्म फाइटिंग कंपाउंड्स हैं हमारे टी सेल्स के अंदर उनको बनाने में ये हेल्प करता है. तो ग्रीन टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. नेक्स्ट इज दी ब्रोकोली. Broccoli जो है इट इज सुपर चार्ज विद vitamins एंड minerals. इट इज packed विद vitamin A, C, E एंड antioxidants एंड fiber also. Fiber इज also वेरी essential फॉर our इम्यूनिटी purpose. बिकॉज आई हैव टोल्ड कि हमारे जो गट में गुड bacteria होते हैं फाइबर जो है दे हेल्प देम टू फ्लरिश एंड टू रिलीज vitamins विच हेल्प अस टू बूस्ट our इम्यूनिटी. जो 100 ग्राम ऑफ ब्रोकली में 89 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी होता है जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कहीं ज़्यादा हमें मिलता है एज कम्पेयर टू अदर सिट्रस फ्रूट्स जिसमें कि विटामिन सी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है. इसको भी जो खाने का जो प्रेफरेंस है ब्रोकली को अगर कच्चा खाया जाए तो वो सबसे ही आपकी सेहत को फ़ायदा पहुँचाता है. नेक्स्ट इज इट जिंजर. जिंजर रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को और आपके इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमली काम करने के लिए हेल्प करता है. ऑप्टिमली मीन्स कि अगर आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है तो वो उसको एक्टिव करेगा और अगर आपका जो इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव है तो उसको वो सप्रेस करेगा. मतलब इट एक्ट एज अ स्टेबलाइजर, लाइक स्टेबलाइजर कंट्रोल आर वोल्टेज. तो सेम वे जिंजर इट हेल्प आर इम्यून सिस्टम टू वर्क ऑप्टिमली. नाउ स्टडीज हैव शोन दैट जिंजर कैन हेल्प फाइट अगेंस्ट डिजीज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. Next is this spinach. Spinach is also a very good source of vitamin C. It is also packed with antioxidants and beta carotene. Beta carotene jo hai wo aapki skin aur aankhon ke liye bahut acha hai. Isme aapko it is also rich source of calcium, iron, magnesium, potassium, vitamin A, folate and many other oxidants. See spinach ko bhi aap broccoli ki tarah it is preferred agar aap usko kaccha khaye ya aap usko steam kare. It is not to be overcooked. नहीं तो जो इसके जितने nutrients हैं, they are all destroyed. Next we'll discuss about the citrus fruits. हम सबको पता है कि जो खट्टी चीजें हैं या खट्टे जो fruits हैं, they are rich source of vitamin C और best source of vitamin C. They are containing antioxidants. हमें हमारा जो body है, it do not produce vitamin C by its own. So हमें वो बाहर से लेना होता है vitamin C. डेली जो रेकमेंडेड डोज है वो है 75 to 100 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी. सो जो आपका विटामिन सी है वो क्या करता है. विटामिन सी आपके WBC हमने पहले पढ़ा था कि इनेट इम्यूनिटी का जो इमीडिएट रिस्पांस के जो सेल्स हैं उसमें आप देखिएगा WBC के पार्ट होता है ल्यूकोसाइट्स जो कि हेल्प करते हैं फाइट करने के लिए. तो जो वो WBCs की जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है विटामिन सी. तो बूस्ट करने के इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसलिए क्यों विटामिन सी बिकॉज इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ WBCs विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इम्यून फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज रेड बेल पेपर. अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ खट्टे फ्रूट्स में ही विटामिन सी होता है तो ये आप बहुत गलत सोचते हैं. जो रेड बेल पेपर है दैट इज जो आपकी लाल शिमला मिर्च होती है इसमें जो विटामिन सी मिलता है इसकी मात्रा किसी भी सिट्रस फ्रूट की मात्रा से डबल होती है. सो यू कैन सी के हाउ बेनिफिशियल इट इज फॉर आर इम्यूनिटी. एंड सेकेंडली इट कंटेन योर बीटा कैरोटीन विच हेल्प योर स्किन एंड योर आईज टू बूस्ट. नेक्स्ट इज दी एप्पल. एप्पल हम बहुत छोटे से थे जब से सुनते आ रहे हैं वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. इट इज नॉट अ रॉन्ग फैक्ट. इट इज अ फैक्ट दैट एप्पल इज अ वेरी यू नो इट इज अ सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी विटामिन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन फाइबर. वट इज पेक्टिन. पेक्टिन एक फाइबर है. How apple boosts your immunity? As it contain, you can see it contain vitamin A,
B1, B2 and C. Beside it, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन. पेक्टिन क्या है? पेक्टिन एक फाइबर है जो काम करता है प्रीबायोटिक की तरह. और हमारे में जो हमारे जो गट में जो गुड बैक्टीरियाज हैं ये उनके फूड की तरह काम करता है और उन बैक्टीरियाज को ये फ्लरिश होने में हेल्प करता है. फिर वो जो बैक्टीरियाज हैं दे प्रोड्यूस विटामिन एंड जो कि हमारी इम्यूनिटी पे डायरेक्ट प्ले करते हैं रोल. ठीक है, अब ये क्या करता है, ये धीरे धीरे जो आपके इम्यून सेल्स हैं उनका फंक्शन चेंज कर देता है. लाइक कि जो पहले सॉल्युबल जो ये फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी एंग्री सेल्स जो होते हैं हमारे, दैट मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम दैट इज वीकेंड एंड प्रो इन्फ्लामेटरी जो एंग्री सेल्स हैं उनको ये चेंज कर देता है टू एंटी इन्फ्लामेटरी हीलिंग सेल्स और इससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है. ये तो थे कुछ फूड्स जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और आप दे आर वेरी रिच. आप कुछ ही फूड्स मैंने बताए हैं तो आप प्रेफर कीजिए कि आप वीक में इनमें से कुछ फ्रूट्स आप डेली अपनी डाइट में ऐड कीजिए ताकि आपको किसी ना किसी तरह से जो इम्पॉर्टेंट वाइटमिन्स है फॉर प्रोडक्शन ऑफ योर WBCs मिलते रहे. अब इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सिर्फ फूड पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, देयर इज ऑल्सो अदर फैक्टर्स विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल. उसमें हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की. आपका लाइफस्टाइल कैसा है? सबसे जो पहली बात लाइफस्टाइल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दैट इज स्लीप. स्लीप रात भगवान ने इसीलिए बनाई है, भगवान ने हमें सब कुछ पहले बना के दिया है. हम जिसको अब पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले उसकी रचना कर चुका है और हम उसको समझने में अब हम उसके लिए हम रिसर्चेस कर रहे हैं. बट स्लीप जो है वो स्लीप टाइम इसीलिए बनाया है सो दैट जो हमारी इम्यूनिटी है हम उसको रीगेन कर सकें. स्लीप टाइम इज द रिकवरी टाइम. हमारी बॉडी जब काम वर्क करती है उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाती है देन वी हैव अ टाइम दैट इज ओनली मेड फॉर रीबूस्टिंग और रीस्टोरिंग आवर इम्यून फंक्शंस. तो जो लोग पुअर स्लीप लेते हैं उसमें क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी क्यों लो हो जाती है? क्योंकि कि उनके अंदर जो आपका किलर सेल्स हैं या WBCs हैं ये जो सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं. तो आप ये देखिए कि जिस टाइम आप सो रहे होते हैं आपकी बॉडी में रिडक्शन हो जाती है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं. तो अगर आप स्लीप डेप्रिवेशन में हैं मतलब आप अगर कम नींद ले रहे हैं तो आपके साइटोकाइंस डेवलप नहीं होंगे. साइटोकाइंस जो हैं वो क्या करते हैं, ये आपकी बॉडीज को इन्फेक्शन से बचाते हैं और आपकी इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. तो आपकी जो स्लीप पैटर्न है उस पर आप ध्यान रखिए, स्किपिंग मत कीजिए सोने से. 8 से 10 घंटे डेली आप सोएं और एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन होना चाहिए. दैट मींस कि हर डेली आप एक फिक्स टाइम पे बेड में जाएं और मॉर्निंग में आप उसी फिक्स टाइम पे अमूमन आप उसको बेड को छोड़ें. तो एक जब आपका प्रॉपर स्लीप पैटर्न बनेगा तो आपको आपकी बॉडी विल रिकवर फ्रॉम द वियर एंड टियर एंड इट विल आल्सो बूस्ट योर इम्यूनिटी. नेक्स्ट इज द लाइफस्टाइल में आपका हम देखेंगे एक्सेसिव शुगर इनटेक. जो लोग बहुत ज़्यादा अधिक मीठा खाते हैं, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि प्रोसेस्ड शुगर एंड प्रोसेस्ड सॉल्ट इन दोनों को ही हमें जितना जल्दी हो सके बंद कर देना चाहिए बिकॉज दे आर केमिकली ट्रीटेड वंस एंड दे आर वेरी वेरी इंजीरियस टू आवर हेल्थ. आप अनप्रोसेस्ड शुगर और सॉल्ट सेंधा नमक यूज़ कीजिए और आप शक्कर यूज़ कीजिए, गुड़ और शक्कर यूज़ कीजिए बिसाइड्स केमिकली ट्रीटेड वन. तो एक्सेसिव शुगर इनटेक से क्या होता है, देखिए कि हमने अभी देखा, आपको मैंने बताया कि WBCs जो हैं उनका विटामिन सी और उनका क्या रिलेशन है, कि विटामिन सी जो है WBCs की प्रोडक्शन में और फंक्शन में हेल्प करता है. तो जब हम शुगर ज़्यादा शुगर खाते हैं, शुगर खाने के आधे घंटे के बाद शुगर की क्या टेंडेंसी होती है कि विटामिन सी को वो WBC में एंटर नहीं करने देता. तो आप बजाय कितना ही आप विटामिन सी खा रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो विटामिन सी जो आपने खाया है उसको WBC में घुसने ही नहीं देगा. तो वो जो आपने विटामिन सी खाया इट विल बी वेस्टेड. सो एक्सेसिव शुगर इनटेक इट लोअर्स योर इम्यूनिटी. नेक्स्ट एक्सेसिव कैफीन. जो एक्सेसिव कैफीन है वो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देती है. स्ट्रेस लेवल जब आपका बढ़ेगा तो स्ट्रेस हार्मोन इज कॉर्टिसोल दैट इज रिलीज
और जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा आपकी इम्यूनिटी लोअर हो जाएगी। तो आप एक्सेसिव कॉफी जो कैफीन है उसको आप कंज्यूम मत कीजिए, 1 to 2 कप्स पर डे इज प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज जंक फूड। जंक फूड जो है ये सभी को पता है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ बट वी कैन रेजिस्ट आवरसेल्फ। बट इसका पीछे जो बेसिक फंडा है वो क्या है कि जो जंक फूड है वो हाई सैचुरेटेड फैट में बहुत उसमें ज़्यादा होता है। सैचुरेटेड फैट हमारी ओबेसिटी कॉज करता है, ओबेसिटी मोटापा, इट लीड्स टू ओबेसिटी। और ओबेसिटी क्या करती है, WBC को मल्टीप्लाई, मतलब कि WBC की जो क्षमता है 1 से 2 होने की, मल्टीप्लीकेशन की और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, उसको ओबेसिटी जो है वो कम कर देती है। दस इट डिक्रीज योर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है इन दिस ऑल होल टॉपिक, दैट इज वाटर। एक स्टडी हुई थी 2015 में, उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल स्टडी ऑफ फ्रंटियर इन जूलॉजी स्टेटेड दैट डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑस्मेटिक स्टेट हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन इम्यून सिस्टम देन एनर्जी अवेलेबिलिटी। ये प्रूव हो चुका है कि खाना खाने से ज़्यादा ज़रूरी है पानी। सी, बट किसी को भी नहीं पता कि पानी कैसे पीना है, कितना पीना है। बस आज अब 5-7-10 साल से इतना क्रेज़ है कि वाटर, ज़्यादा पानी पियोगे पतले हो जाओगे, ऐसे पियोगे। नो, आपको ये पता होना चाहिए आपको कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है। इसके लिए भी हमें नेचर ने एक ज़बरदस्त मैकेनिज्म दिया हुआ है, दैट इज थर्स्ट मैकेनिज्म, प्यास लगती है हमें। अब क्या हम लोग देख रहे हैं कि सब ने बता दिया कि आपको इतना लीटर पानी दिन में पीना ही पीना है, बट क्या कर रहे हैं बच्चे और हम सब कर रहे हैं, वी ऑल्सो डूइंग दैट, कि आप बॉटल लेके हाथों में घूम रहे हैं, यू सिप, क्योंकि आपको वो कंटेंट जो है वो पूरा करना है, यू सिप सिप ड्रिंक कर रहे हैं, आप एक घूंट ले रहे हैं 10 मिनट बाद फिर, दैट इज रॉन्ग। आपको एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म मिला है प्यास का। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए आप कहाँ रह रहे हैं, क्या आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, क्या आपकी एज है, ये डिपेंड करता है कि आपको पानी कितना लेना चाहिए। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थर्स्ट मैकेनिज्म। आप खुद ही अपनी बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको सप्रेस कर देते हैं। आप कई बार हम विदाउट थर्स्ट भी पानी पी रहे हैं बिकॉज हमें पानी पीना है। नो, दिस इज रॉन्ग। आपकी बॉडी में जब पानी की कमी होगी आपका थर्स्ट मैकेनिज्म काम करेगा, आपको प्यास लगेगी, देन यू ड्रिंक वाटर। जितना आप प्यास बुझाने के लिए पानी पी सकते हैं आप पीजिए। बेस्ट जो थेरेपी है टू डू हाइड्रोथेरेपी यू टू क्लेंज योर बॉडी इज, देखिए फंडा क्या होता है कि जब आप पानी ज़्यादा पी रहे हो तो आपकी बॉडी में सोडियम जो आयन है उसका लेवल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो ब्रेन है उसमें माइल्ड स्वेलिंग हो जाएगी। सेकंड, अगर आप पानी कम पी रहे हो तो आपका जो बॉडी है उसमें सोडियम लेवल आयन फिर बढ़ जाएगा और उससे भी क्या होगा, ब्रेन में माइल्ड स्वेलिंग होगी। तो दोनों ही केसेस में आपका जो ब्रेन स्वेलिंग है दैट इज इंडिकेटेड। तो पानी जो है वो थर्स्ट के हिसाब से पिए। दूसरी चीज आप इसमें ध्यान रखिए कि अब आपको जब प्यास लगती है आप मेक श्योर कि आपने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी लिया, बट मेक श्योर कि आप उस टाइम 10-15% पानी एक्स्ट्रा पी रहे हैं। तो क्या होगा कि जो बॉडी को पानी चाहिए वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, प्लस जो आपने एक्स्ट्रा पानी पिया है वो आपकी क्लेंजिंग में काम आएगा, इट विल फ्लश आउट योर टॉक्सिन्स। बजाय कि आप सिप सिप पानी पी रहे हो, उससे अच्छा है जब आप सिप सिप पानी पीते हो क्या करती है, बॉडी जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी उसको मिलता रहता है, वो उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, एंड दैट इज बैड। जब प्यास लगती है तो पानी पियो, एंड मेक श्योर उस प्यास को बुझाने के बाद आप 10-15% पानी और पियो, दैट विल क्लेंज योर बॉडी। जब आप बार बार सिप सिप पानी पीते हैं उससे आपके किडनीज पे भी लोड पड़ता है। ओके, सो दिस इज वाटर। नेक्स्ट इज सिडेंट्री लाइफस्टाइल। हमें हमारे दिनचर्या में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी चाहिए। स्मॉल शॉर्ट वॉक फॉर 30 मिनट्स इज वेरी मच ओके, और यू कैन गो फॉर स्मॉल लाइट एक्सरसाइजेस। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपका स्ट्रेस कम होता है। जब आपका स्ट्रेस कम होता है तो आपकी जो WBCs हैं वो एंटीबॉडीज ज़्यादा बनाती हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी तो आपकी जो WBCs हैं दैट विल मेक मोर एंटीबॉडीज, और
सेकेंडली क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. टेम्परेचर बढ़ने से ऑटोमेटिकली ही कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते और वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज एक्सेसिव एक्सरसाइज. जब देखिए हर चीज की एक लिमिट है. अब पिछले 10 साल से कुछ ज्यादा ही क्रेज है जिमिंग का एंड वी गो टू जिम बट वी डोंट नो व्हाट इज आवर बॉडी लिमिट. आपकी बॉडी की एक लिमिट है. उस लिमिट के अगेंस्ट अगर आप उसको पुश करोगे इट विल डिक्रीज योर इम्यूनिटी. इट हैज बीन प्रूव्ड इन स्टडीज कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हो उसके 72 घंटों तक आपकी बॉडी इट इज वीक एंड इट इज मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. उसको उन 72 घंटों में इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसका इम्यून फंक्शन कम हो गया. व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग दोज स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइजेस आपके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो बढ़ गए. जब आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स PPT has stopped or I have to do new share. Any problem ma'am? Ma'am PPT jo hai wo shared hai filhal. Yes ma'am, it is visible. Visible? And yeah. Which slide is visible? सो ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रेस में आ जाती है और स्ट्रेस में आने के बाद हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन ये रिलीज होते हैं. ये आपकी बीपी को बढ़ाते हैं और आपका जो इम्यून फंक्शन है उसको कम कर देते हैं. सो एक्सेसिव एक्सरसाइजेस जो हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए. सो विद दिस आई थिंक आई हैव shared with you the different ways to improve your or support your immunity and I'm looking forward for your queries or koi bhi doubt ho aapko ya kisi bhi tarike ka koi question ho to I'm open for that. I'm waiting for your response. Over to you ma'am. Yes Misha ma'am for presenting such a wonderful deliberation. It is quite interesting and informative also. And there are some questions for you. Ji ma'am. Does excessive use of mobiles and gadgets decrease the immunity? Please repeat ma'am. Does excessive use of mobiles and gadgets decrease the immunity? Yes. It is very obvious and it is proved. कि जो आप ये गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं इनसे इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नलिंग हो रही है ये जो ट्रांसमिशन है आप देखिए हमारी बॉडी में भी ट्रांसमिशन चल रही हैं. हमेशा हमारे जो ब्रेन है और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इसमें ट्रांसमिशन चल रही है. दीज आर ऑल्सो इम्पल्सिस एंड सेम वे जो आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं इनकी भी जो ट्रांसमिशन है वो चल रही है एंड दे इलेक्ट्रॉनिक जो इनकी वाइब्रेशंस हैं और जो इसमें से एमिशंस होती हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर योर फंक्शनिंग इम्यून फंक्शंस के लिए तो है ही है. ये आप ये देखिए कि जो लोग मोर देन 2 आवर्स अ डे लीड हेडफोन यूज कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं उनको जो ऊंचा सुनने की या हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है. प्लस ये क्या कर रहा है आप कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल
डिस्पाइट ऑफ के आपकी लाइट कंडीशंस क्या हैं, हम रात अंधेरा करके भी हम उसको देख रहे हैं, इट इज इफेक्टिंग आर योर साइट आई साइट और आपका ईयर पे तो डायरेक्ट इसका इफेक्ट है ही है, और जो इसकी इनविजिबल वाइब्रेशंस हैं और जो इसके सिग्नलिंग की वजह से जो हमारी हैम्पर कर रहा है ये बॉडी सिग्नलिंग, इट इज डेफिनेटली डिक्रीजिंग आर इम्यूनिटी. एनी मोर वन? Next question is, does yoga and meditation enhance immunity? Yes, yoga and meditation, actually it is a separate, ये इतना vast field है कि इस पर हम एक separate discussion कर सकते हैं, but yoga and meditation is directly influencing your immunity, because देखिए immunity जो है कहीं ना कहीं जो हमारा stress है, हमारा जो body system है that is suppressed. खाने पीने पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम स्ट्रेस हैं, हमारा प्रॉपर डाइट नहीं है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में से हमें बाहर निकलना नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू डील विद डिप्रेशन, वी डोंट नो हाउ टू डील विद आवर डेली रूटीन स्ट्रेस. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे बॉडी के जो फंक्शन हैं, आप देखिए कि ये हर फंक्शन पे, इम्यून सिस्टम पे, फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, ये हर हेल्थ जो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ है इस पे इसके एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं. योगा एंड मेडिटेशन क्या करता है, योगा एंड मेडिटेशन इट रिलैक्स योर बॉडी. एक सेल्फ जो जिसको बोलते हैं कि इनर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको जागृत करता है, और जब ये स्ट्रेस रिलीज करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ये रिकवर होने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ जिंक इन आवर डेली फूड? सी, जिंक जो है वो आप जो हमारी वेजिटेबल्स हैं दे आर वेरी यू नो पुअर सोर्स ऑफ जिंक. तो जिंक आपको मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट से, और आपको मिलेगा कैश्यू से, आलमंड से, पीनट से, होल जो ग्रेन्स हैं जैसे आपकी फुल ग्रेन्स में आ गए, आपकी ओट्स आ गए, वीट आ गई, राइस आ गई, इसमें आपको जिंक मिलेगा. जिंक भी वही है, ये क्या करेगा आपके जो जो डेवलपमेंट ऑफ सेल्स और फंक्शनिंग ऑफ जो WBCs हैं इसको ये प्रमोट करता है, इसलिए जो जिंक है इट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिविटी आल्सो इंक्रीज इम्यूनिटी? यस, देखिए आप कोई भी तरीका आप देख लीजिए, जैसे ही आपकी बॉडी इट इज मेड, वी आर सेंट ऑन अर्थ टू लिव हैप्पीली, टू रिलैक्स. We were not made for this much stress. Okay, see, जो stress हमें routine में आते हैं, we are very efficient to deal with them. लेकिन जो अब stress हमारी daily routine की life में है, job का stress, घर का stress, हर बंदा छोटा सा बच्चा stress में है. Because हम किसी चीज़ को हमें deal करना हमें आता ही नहीं है, अब हम उस चीज़ को भूल चुके हैं कि stress is only a part of life. But अब आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए कैसे हो, तो दे विल रिप्लाई बस ठीक है जी चल रहा है. मतलब एवरी वन इज इन स्ट्रेस. तो जो भी तरीके से आप बॉडी का स्ट्रेस कम करोगे, इंजन है ये, देखो इंजन पे जितना आप लोड ज्यादा डालोगे, योर जो आपकी गाड़ी है उसकी आप उससे आप लगा सकते हो गाड़ी के ऊपर प्रेशर कितना पड़ेगा. जैसे आपका इंजन रिलैक्स रहेगा, यू विल हैव अ स्मूथ ड्राइव. थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन कोरोना वायरस डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड? मैम प्लीज, कैन कोरोना वायरस डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड? ओके, फूड से. सी, अगर बात करें फूड से नहीं फैलेगा कोरोना वायरस, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं वो आपके जब पेट में चला जाता है तो वहाँ एसिड्स हैं, दे दैट एसिड विल यू नो डिस्ट्रॉय दैट वायरस. Corona is, it is a respiratory disease. It is spreading through the droplets, or it is spreading through your infected person to the lungs. ये lungs पे attack कर रहा है. It will enter to the lungs through your nose. It will not be affected by the. अब अगर आप food sharing कर रहे हैं किसी के साथ तो corona virus आपको नहीं हो सकता. हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जो tiffin है आपका, वो आपने टिफिन के ऊपर अगर वायरस हो, एंड दैट अगर आपने अपनी
अगर आपने लाइक इस तरह से टैप की नोज तो वो जा सकता है, बट अगर आपने खाना खा लिया है उसमें अगर वायरस है तो वो जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस से इट विल बी डीएक्टिवेटेड. थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ गिलोय टू इंक्रीज आवर इम्यून सिस्टम और इट विल हेल्प हेल्पफुल अस और नॉट. प्लीज रिपीट मैम. मैम गिलोय हेल्पफुल टू इंक्रीज आवर इम्यून सिस्टम. Giloy? Yeah. Okay, Giloy, ma'am, Giloy is also a very powerful antioxidant, antimicrobial property hoti hai usme. और ये भी क्या करता है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं या जर्म्स फाइटिंग जो इसकी एक नेचर है, इट मेक्स इट अ वेरी गुड यू नो इंग्रेडिएंट टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इफेक्टिव ऑन कोरोना वायरस इन पर्टिकुलर. मैम पार्डन प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. How are different micro and macronutrients effective on coronavirus in particular? See, there is not you can do not or I can say अलग अलग हम जो micro and macronutrients है उसके effect का नहीं कर सकते. But I can surely say coronavirus is nothing, it is a general mild respiratory you know infection. But coronavirus jo hai wo kisko harm kar raha hai, it is harming the immune compromised, jis patient ka immune system weak hai ya wo pehle se kisi problem se jooj raha hai usko wo jo coronavirus hai it is affecting more. So ये भी उसी चीज़ से लिंक हो रहा है कि अगर आपकी इम्यूनिटी सी किसी भी एक पर्टिकुलर मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो रही है, वी हैव सीन के कितने अलग अलग टाइप के आपको माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स. सो जो कोरोना वायरस है इट इज़ डायरेक्टली हैम्परिंग और इट इज़ डायरेक्टली इफेक्टिंग दोज पेशेंट्स जिनकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है. तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहेगी तो कोरोना वायरस आपको ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज टेल यूर व्यूज अबाउट बाबा रामदेव कोरोनिल. यूर व्यूज सी ऑन बाबा. मैम एक्चुअली अब तक मैंने देखा भी नहीं है उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बट आई एम श्योर सी इंडिया में आयुर्वेदा जो है एक इतना हमें वरदान मिला है इंडिया को, बट अब जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज हैं दे आर कमिंग एंड दे आर रिसर्चिंग एंड दे आर मेकिंग पेटेंट of those ingredients or those herbs which are found in India and we know their benefits but we are not using them. So reviews mein abhi nahi keh paungi kyunki wo abhi launch bhi nahi hua hai aur agar hua bhi hai to wo bahut ek vivad mein hai, but definitely hum dekh rahe hain ke bahut sari aisi hamare paas jadi bootiyan hain ya hamare paas herbs aise hain jo Indian jo खाने में यूज़ हो रहा है. आप अगर देखा होगा तो कोरोना का जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है हमारे इंडिया में कोरोना की वजह से बहुत कम डेथ्स हो रही हैं, बिकॉज जो हम खाना खा रहे हैं जो इंडियंस की जो इम्यूनिटी है इट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लिंक होता है हमारे खान पान से. लाइक वी यूज़ जीरा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में 3 times यूज़ होता है. एंड अगर आपको जीरे की अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो ये एक मेडिसिन है. सी हम हर चीज़ मेथी जीरा अजवाइन हरड़ ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर बूस्टिंग वंस इम्यूनिटी और हम इनको अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें. एंड इनफैक्ट ऑल इंडियंस आर गोइंग फॉर हमारे घर में तड़का लग रहा है तो ऑटोमेटिक सी ये बात है कि जो उन्होंने बनाया है वो फंडा यही होगा कि इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी. अगर आपकी मैंने आपको बताया ना कि कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जो आपकी आपने ये खाया और आपकी इम्यूनिटी बन गई.
ये जो खाना है इस खाने को अगर हम प्रॉपर तरीके से खाते रहें तो हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर फंक्शन करती रहेगी। बट ये जो उन्होंने बनाया है वो यही बनाया होगा कि आपकी इम्यूनिटी जो है उससे स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपकी जो रिकवरी है कोरोना से वो फास्ट हो जाएगी। फास्ट रिकवरी होगी तो इट विल डेफिनेटली हेल्प द पेशेंट। बट रिव्यूज हम अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि कितने पेशेंट्स को यूज किया गया है। एक्चुअली हमारे इंडिया में कमी ही ये है मैम कि जब कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसको सपोर्ट नहीं करता है कोई भी, उसको हम उसकी टांग खींचते हैं। तो आप जो यू नो जो एंटी हैं इन चीज़ों के, वो इतने क्वेश्चंस उन्होंने उठा दिए बट नो वन इज सपोर्टिंग के यस कुछ तो होगा उसमें। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर एवरीवन वी आर इनफैक्ट आई एम आल्सो टेकिंग हर्बल टी। That is what? That is just to increase my immunity. तो अगर वो दवाई उन्होंने बनाई है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इट विल फाइट कोरोना बाई बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कोविड 19 विल चेंज आवर लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स इन इट्स aftermath? सी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और कोरोना ने सब कुछ ही बदल दिया। आप किसी भी टॉपिक पे या किसी भी एस्पेक्ट ऑफ एनी वन आप उठा के देखो, कोरोना ने हर चीज़ बदल दी। सबसे पहले कोरोना ने हमें ये सिखा दिया कि जीने के लिए लग्जरी ज़रूरत नहीं है, जीने के लिए ज़रूरी है आपका शरीर। अगर आपका शरीर जो है उसमें इम्यूनिटी अच्छी है, हमें लग्जरीज की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड मर्सिडीज कार, we just need a good body, a healthy body with a very effective immunity. और ये जो diseases हैं ये तो शुरुआत है जो हमने lifestyle हमारा बना दिया है। आप देखिए आने वाले हर 5-4 साल में आपको इस टाइप के वायरल अटैक्स मिलेंगे वर्ल्ड वाइड, जिनकी अब होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बंदे सर्वाइव करेंगे जो कि फिट हैं इन देयर बॉडी। सबसे पहले तो हमें ये बता दिया कोरोना ने कि जीने के लिए लग्जरी नहीं, आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए। और सेकेंड, हमने जब हम होम लॉक हुए हैं हमें ये पता चला है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम खुद नहीं बना सकते। सो लोग शायद इस चीज़ में भी अब अवेयर होंगे कि हम अगर हमें बाहर ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रीट फूड खाएं, वो हम घर में भी बना सकते हैं और घर में भी खा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है। और इसमें लोगों को ये पता चल चुका है कि जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छा है वो सर्वाइव कर जाएगा। अब लोग जो हैं अपने लिए, वो कहते हैं ना कि वो खुद से पहले हमें सब कुछ पता है बट हम नहीं करते हैं, बट अब हमारी मजबूरी हो गई है ये करना। सी कभी जब चोट लगती थी तो दादी या नानी दूध में हल्दी डाल के दे देती थी, बट नाउ हम नहीं ऐसे नहीं अच्छा लगता, वैसे नहीं अच्छा लगता। क्या थे वो मेथड्स? वो मेथड्स थे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वो लाइफस्टाइल जो था वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए था। बट अब हम घरों में दलिया खाया जाता था, व्हाट इज दैट? अब कोई ये चीज़ें जो हमने लाइफस्टाइल खुद चेंज कर दिया, वी हैव इनवाइटेड दिस प्रॉब्लम बाय आवर ओन, यू नो। सो और कोरोना ने हमारे अंदर ये चेंज किए हैं कि हमें अब ये पता चल गया है कि मिलना जो है, सोशल जो नेटवर्किंग थी लोगों की, अब आप देखिए कि अगर कोई काम आएगा तो सिर्फ आपकी फैमिली काम आएगी। तो आपस में जब हम फैमिलीज के साथ रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें एक दूसरे को समझने का टाइम मिला है, नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही दौड़ थी और वो दौड़ थी पैसे की। अब हमें ये पता चला है कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है। आपके पास थोड़ा पैसा है तो भी आप जो जीने के लिए जो पैसा चाहिए वो सबके पास है, बट वी आर रनिंग वी आर स्ट्रेसिंग आवर सेल्फ, वी आर जस्ट प्लेइंग विद आवर बॉडीज एंड माइंड्स। तो कोरोना ने हर चीज़ ही चेंज कर दी यार, ये तो छोटा सा एस्पेक्ट है। Next question, please. Now, Sarita, ma'am. Thank you very much, ma'am. मुझे लगता है सभी participants की शंकाओं का समाधान बखूबी हो चुका होगा. मैडम मनीषा पानू, आज के इस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव व्याख्यान के लिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद
आभार प्रदर्शित करती हूँ। डॉक्टर पानु, आपने इतने जटिल विषय को इतने सरल और स्पष्ट शब्दों में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया और बड़े ही धैर्य और धीरज के साथ पार्टिसिपेंट्स के सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया, उनकी शंकाओं का समाधान किया। मैम, आगे और भी कोई प्रश्न अगर होंगे तो हम आपको कन्वे कर देंगे ऑनलाइन। थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। आज के इस विशेष आयोजन में मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर अनिता सहरावत का, जिनके मार्गदर्शन के अंतर्गत यह आयोजन संभव हो पाया है। धन्यवाद मेरी सहयोगी डॉक्टर कैलाश मैडम, इंचार्ज ऑफ रेड क्रॉस यूनिट एवं कंप्यूटर साइंस के प्रवक्ता श्रीमती सोनिया मलिक और श्रीमती शकुंतला मैडम, जिनके तकनीकी सहयोग के बिना इस वेब लेक्चर की कल्पना भी असंभव थी। साथ ही धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने रुचिपूर्वक इस समसामयिक विषय को ध्यान से सुना और अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।